तो आज हम बनाएंगे मिक्स दाल। ये मैंने यहाँ पर तीन तरह की दाल ली है, अरहर, मूंग, मसूर, ये तीन दाल ली हुई हुई है मैंने। और इनको हम एक बर्तन में करके अच्छे से कर लेंगे मिक्स। एकदम देसी तड़के वाली दाल बनाएंगे दोस्तों। और ये मैंने इधर धो करके अच्छे से रख दी है। आप देख सकते हो दाल का कलर भी कितना प्यारा है। और इसको हम चूल्हे पे बनाएंगे। तो मैंने देगची में पानी चढ़ा दिया है पहले से ही, जो कि हो गया है बहुत गर्म। दोस्तों हमारे चूल्हे पर धूप भी आ गई है, धूप में खाना बना रहे हैं। और ये देखिए मैंने दाल पतीले में डाल दी है। गांव का शुद्ध देसी खाना है दोस्तों, चूल्हे का खाना बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और ये थोड़ा सा तेल डालेंगे ताकि हमारी दाल उबल के ऊपर ना आए। स्वाद के अनुसार नमक भी ऐड कर देंगे इसी में, थोड़े थोड़े सारे मसाले ऐड करेंगे दोस्तों। ये देखिए थोड़ी सी हल्दी, धनिया पाउडर, मैं मिर्ची इसमें बाद में डालूंगी। और इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स। चूल्हे पर खाना बहुत ही मज़ेदार बनता है, तो मैं इसलिए चूल्हे पे ज़्यादा बनाती हूँ। हमारी दाल पक कर के तैयार हो चुकी है, ये देखिए। अब इसमें हम तड़का मारेंगे एकदम देसी स्टाइल में, जो कि गांव के लोगों को बहुत पसंद आता है। और ये मैंने तेल लिया है 2 चम्मच के बराबर। और इसको आग पे गर्म करेंगे, चमची वाला छौंका मारेंगे इसमें। और हमारा तेल हो गया गर्म, डाल देंगे जीरा। सुबह का टाइम है, धूप भी है चूल्हे पर। और इसमें लहसुन प्याज डालेंगे और इसको अच्छे से पकाएंगे फिर से आग पर ही। और एकदम देसी दाल बना करके तैयार करेंगे तड़के वाली। ये देखिए हम तड़का मार देंगे। और ये देखिए कितनी अच्छी दाल बन करके तैयार हुई है दोस्तों, गांव के लोगों को बहुत ही पसंद आती है। तो ये लीजिए गर्मा गर्म जीरे की दाल बन करके तैयार है दोस्तों। तो आपको कैसी लगी दाल के साथ? दाल, चावल, रोटी किसी के भी साथ खा सकते हो इसको। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।